दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। खांसी की एक बेहतरीन दवा है स्टैनामिट। तो स्टैनामिट की क्या क्या लक्षण है दोस्तों खांसी के अंदर में, उसको कैसे सही कर सकते हैं और किस तरह की खांसी में ये दवा काम आती है, आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों स्टैनामिट की जो खांसी होती है उसकी खास बात क्या होती है कि पेशेंट को 3-4 बार लगातार खांसी आती है, मतलब 3-4 बार लगातार पैरोक्सिज्म में कफ आता है। ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है पेशेंट का। और ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट बार बार ऐसे खांसता है तो उसको अपर एब्डोमेन में, एब्डोमेन के ऊपरी भाग में दर्द होने लगता है। ये इसका एक बड़ा खास सिम्टम होता है। दूसरा दोस्तों स्टैनामिट की खांसी में एक खास सिम्टम ये होता है कि स्टैनामिट में जो बलगम निकलता है वह हरे पीले रंग का निकलता है और उसका जो टेस्ट होता है वो मेटालिक टेस्ट होता है, मेटल की तरह स्वीटिश टेस्ट होता है। दूसरी बात दोस्तों ये होती है, कभी नमकीन कभी मीठा दोनों तरीके का हो सकता है, लेकिन मेटालिक मीठा वाला ज़्यादा होता है। दोस्तों इसके साथ साथ में एक बड़ा खास इसका सिम्टम होता है कि पेशेंट को छाती में वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, खालीपन महसूस होता है, बोल नहीं पाता है। बोलने से खांसी का बढ़ जाना, इसमें भी बहुत अच्छा काम करती है स्टैनामिट। इस सिम्टम पे इसको हम फास्फोरस और स्पॉन्जा के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं, साथ में ड्रोसरा से भी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्टैनामिट की खांसी जैसे 3-4 बार में आती है, वैसे ही बेलाडोना में भी आप देखेंगे कि 3-4 बार उसमें भी आती है पैरोक्सिज्म में खांसी। बेलाडोना का मर्ग साल में 2 पैरोक्सिज्म में आती है, मतलब 2 बार खांसने पर खांसी आती है। तो ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है अलग अलग दवाओं को समझने के लिए। इसके अलावा दोस्तों खांसी अगर शाम के वक्त में आती है तो ज़्यादातर कभी कभी सूखी खांसी भी आती है, ठीक है, शाम के वक्त में सूखी खांसी आती है। ऐसी कंडीशन में जब देखेंगे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसने पे वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा पेशेंट वीक महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस कर रहा है, पसीना आ रहा है, इवन माथे या गर्दन के पास में पसीने में कभी कभी बदबू भी रहती है, तो वैसी कंडीशन में जबकि थाइसिस वाली खांसी होती है या दमा की खांसी होती है या टीबी की जो खांसी होती है उसमें जबकि बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, भोर में 4 बजे के आसपास में ये तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है ये और ऐसी कंडीशन में बहुत काम आती है। इवन स्टैनामिट को हम ऐसी खांसी में दे सकते हैं जो कि टीबी की खांसी हम जिसको कहते हैं कि टीबी के पेशेंट को जो खांसी आती है उसमें आप देखेंगे हरे पीले रंग का बलगम बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, पेशेंट को बोला नहीं जाता, इतनी कमजोरी महसूस करता है सीने के अंदर में। दोस्तों सीने में कमजोरी होना और भी दवाएँ हैं, अर्जेंटामिट एक दवा है जिसके अंदर में सीने में कमजोरी होती है, ठीक है, इसको वहाँ से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एसिडफॉस दवा है, सीने में कमजोरी होती है, तो जब भी पेशेंट को मतलब इतना कमज़ोर हो सीना कि बोला नहीं जा रहा हो तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है स्टैनामिट। तो स्टैनामिट दोस्तों ऐसी कंडीशन में बहुत यूज होती है, मेटल की टेस्ट होता है जो बाहर निकलता है, जो बलगम निकलता है उसका टेस्ट इस तरह का होता है, पसीना होता है, हरे पीले रंग का बलगम निकलता है, तो ये इसके कीनोट सिम्टम्स है दोस्तों। इन सिम्टम के आधार पर अगर हम दवा देते हैं और साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है चेस्ट में वीकनेस होना, खालीपन महसूस होना, वीकनेस होना मतलब बोला नहीं जा रहा इतना वीकनेस, तो ये सिम्टम अगर मिलते हैं दोस्तों तो वहाँ पर स्टैनामिट बहुत अच्छा काम करती है। इवन टीबी की जो खांसी होती है उसको भी ये सही कर सकती है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स है स्टैनामिट के, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगे तो इसको दोस्तों और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर अगर नोटिफिकेशन एक बेल दिख रहा होगा आपको उसको प्रेस कर लीजिए ताकि इतनी जितनी भी जानकारियाँ या जितने भी आपके पास में इस तरह के वीडियोज़ जो आप देखना चाहते हैं वो आपके पास हमेशा मिलते रहें, आज उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए उसको प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।